Okay, good afternoon everyone. Now the next topic that we have to deal is gravitational field. However, some idea of this field I gave yesterday, so let me continue with that. It's on page number 252. Topic is gravitational field. And then after gravitational field, we'll define gravitational field strength or intensity of gravitational field. Now listen very carefully. Now from Newton's law of gravitation, we know that a mass particle attracts another mass particle. I repeat, a mass particle attracts another mass particle. Now if I take mass capital M, say this capital M is the source mass. When I say source, so this is the one who is producing magnetic field, sorry, gravitational field. ये वो मास है जो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये ग्रेविटेशन फील्ड है क्या? देख लीजिए, अगर हम किसी एक दूसरे मास को, if we take another mass and bring that mass closer, say suppose I put that mass here, then obviously capital M will attract it. Now if I shift the mass from this position to say this position, then again capital M will attract it. If I further shift it away, keep in mind that capital M keeps on attracting it. Okay? This means capital M applies an attractive force on that particular mass. So using the same concept, now one difference is here that as you go on increasing the distance, the magnitude of gravitational force goes on decreasing. वो जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी आएगी जहां उस मास पर इसकी वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. क्लियर? तो अब अगर सपोज वो डिस्टेंस मेरे पास है r, सपोज तो हम क्या करेंगे, m को मानेंगे सेंटर, r को मानेंगे रेडियस और इसके चारों तरफ एक स्क्वायर बना लेंगे. याद रखिएगा, इसके चारों तरफ हमने एक स्फीयर बना दिया. अब इस स्फीयर की खासियत क्या है? इस स्फीयर की खासियत यह है कि अगर आप इस स्फीयर के अंदर किसी दूसरे मास को रखते हो तो ये उस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. लेकिन अगर सपोज वो मास इस स्फीयर से बाहर हो गया तो ये कैपिटल एम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर इस कैपिटल एम की अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. और वो कौन एक्सपीरियंस करता है? अनदर मास पार्टिकल. सो कीप इन माइंड, अराउंड एवरी मास देयर इज अ जोन, देयर इज अ स्पेस इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर मास. हर एक मास के चारों तरफ एक स्पेसिफिक जोन होता है, एक स्पेस होती है जिसमें उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. इसी स्पेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. सो कीप इन माइंड, द स्पेस अराउंड द अट्रैक्टिंग पार्टिकल इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट पार्टिकल. उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी. आई होप ग्रेविटेशन फील्ड का डेफिनेशन सभी को समझ आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अब ये क्या है वो समझते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इसका एक और नाम भी है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के नाम से भी जानते हैं हम इसको. अब क्या मतलब है इस बात का? हमने यही सोर्स मास लिया, कैपिटल एम को हम सोर्स मास कह रहे हैं. इसके चारों तरफ इसका एक अपना जोन है, एक रीजन है, इस रीजन को ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं. अब मान लीजिए मैं इस मास से किसी एक डिस्टेंस पे, हाउएवर That distance is within the gravitational field. Field के अंदर ही हमने एक point consider करना है. दूसरा, suppose
ये था पॉइंट ओ और यहां मैंने एक पॉइंट पी मान लिया, क्लियर। और इस पॉइंट पी पर मान लीजिए हमने एक मास रख दिया स्मॉल एम, और सपोज ये डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर इमेजिनिंग अ स्मॉल मास एम एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सोर्स मास ओ, एंड दिस पॉइंट पी लाइज इन द ग्रेविटेशन फील्ड। अब सबको मालूम है कैपिटल एम इस स्मॉल एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये वैल्यू हो जाएगी फोर्स की, और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है, इसका मतलब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा तो एरो अंदर की तरफ लगेगा भाई, क्लियर। ये क्या है फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल एम ड्यू टू मास कैपिटल एम। अब अगर सपोज मैं इस फोर्स को स्मॉल एम से डिवाइड कर दूं, याद रखना स्मॉल एम से डिवाइड करना है, जो मास हमने एज्यूम किया उस मास से डिवाइड करना है, जो मास फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उससे डिवाइड नहीं करना। तो अगर मैं इस फोर्स को स्मॉल एम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा एफ अपॉन एम, इसे कहेंगे फोर्स पर यूनिट मास। अगर आप एफ की वैल्यू यहां रखते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल एम एंड स्मॉल एम गेट्स कैंसिल, ये आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा यही फोर्स पर यूनिट मास कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक तो था ग्रेविटेशन फील्ड द स्पेस सराउंडिंग अ मास इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। और एक बात याद रखना ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन की जाएगी, एक पॉइंट के लिए, सपोज यहां हो गया यहां हो गया यहां हो गया, वो पॉइंट हम कहीं मिले तो ये जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड है ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा अगर डिस्टेंस बदलेगा तो, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट द पॉइंट। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू किसी एक पॉइंट का, एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट मास, द फोर्स पर यूनिट मास, यही कहलाएगा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। अगर कोई इसके यूनिट की बात करे, ध्यान दीजिएगा फोर्स अपॉन मास है तो इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर केजी, और शायद आप लोगों को याद हो न्यूटन पर केजी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन की यूनिट होता है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है, क्लियर। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी, बोलना नहीं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, ठीक है जी। आई होप ग्रेविटेशन फील्ड क्या है और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया। ग्रेविटेशन फील्ड वो रीजन है वो स्पेस है, लेकिन ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पे एक वैल्यू निकाली जा रही है, और वो वैल्यू किस चीज की है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास, तो एफ अपॉन एम। आई होप जो मैंने यहां बात लिखी वो आप सबको समझ आ गई। ये जो भी बताया गया ये पेज नंबर 252 पे जो प्रिंटेड पार्ट दिया उसमें है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, आई होप मैं आपसे कंसेंट नहीं मांगूंगा कि भाई ये समझ आया नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल से है, सभी को समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको समझना है तो क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, हम उसको एक बार याद करेंगे। क्लास 10th में था, एक चार्ज को मूव करते हैं इंफिनिटी से और खिसका के एक पॉइंट पर लेके आते हैं। तो जब आप एक चार्ज को इंफिनिटी से खिसका कर किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं तो इस प्रोसेस में जितना वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। याद रखना जैसे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा अगर डिस्टेंस आर अलग अलग है,
इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो टेंथ में दी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये कहलाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर आपने वहां पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, तब आप क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। शायद आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते थे और वहां फॉर्मूला होता था डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और क्यू क्या है, चार्ज जिसे मूव कराया गया, कहां से, इंफिनिटी से एक पॉइंट तक। अगर इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और अगर दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते थे तो कहलाता था पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा, डिनोट इसी वी से करेंगे। फर्क क्या है, फर्क है वहां हमने लिया था चार्ज, यहां हम लेंगे मास। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो जैसे वर्क अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वैसे ही वर्क अपॉन मास ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और इसे हम कैपिटल वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने पॉजिटिव पढ़ा है क्लास टेंथ में, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, ये मैथमेटिकली नेगेटिव आएगा जब हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब कोई कहे कि ये नेगेटिव क्यों, रीजन इसका बहुत सिंपल सा है कि जब आप एक चार्ज को मूव करते हैं तो जो सोर्स चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, उसको आने नहीं देता, लेकिन हम उसे लेकर आते हैं तो हमें उन दोनों के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। यहां क्या होता है, यहां एक यूनिट मास को इंफिनिटी से मूव करते हैं, हमें लगता है कि हमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताएं, ये वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा, ये वर्क अपने आप हो जाएगा। कारण ये जो सोर्स मास है कैपिटल एम, ये उस टेस्ट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट खुद ही कर लेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो याद रखिएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज द वर्क इज obtained in moving unit mass from infinity to the particular point. It is not done by external agent. External agent को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यहां work अपने आप होता है, तो इसीलिए gravitation potential को हम negative consider करते हैं। अगर मैं मान लू W joule work हुआ m mass को move करने में, तो किसी एक point का gravitational potential होगा V equal to W upon m, और यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, जूल पर केजी, जैसे वहां जूल पर कूलम होता था यहां जूल पर केजी होगा। अगर आप लोगों को यहां तक की बात समझ आ गई, देन क्विकली से यस एंड गिव योर कंसेंट, आई एम वेटिंग फॉर इट। ओके, दैट्स गुड। चलिए अब हम इस टॉपिक को, ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाले को, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालेंगे। मैं एक बार बता चुका हूं ये नेगेटिव होता है। मैं जब ये डेरिवेशन करूंगा उसमें मैं नेगेटिव साइन अपनी तरफ से नहीं डालूंगा जबरदस्ती, वो अपने आप आएगा। अब वो कैसे आएगा वो बात हम समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। बहुत सिंपल सी चीज है, जो बताया जा रहा है उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है और जो मेथड है उसे फॉलो करना है। टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए
आपके पास एक मास है कैपिटल एम जो किसी पॉइंट ओ पे लोकेटेड है, और ये एम ही वो पॉइंट मास है, और इस मास से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी मान लिया, ओके okay? अब अभी तक जो बनाया उसका स्टेटमेंट क्या होगा? लेट अस कंसीडर अ मास एम, पॉइंट मास एम लोकेटेड एट पॉइंट ओ एंड पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एम वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड. पी वो पॉइंट है जहां का ग्रेविटेशन पोटेंशियल मुझे निकालना है. फॉर दिस स्टेटमेंट क्या कहता है बता चुका हूं. फॉर दिस अ यूनिट मास इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब आप क्या करेंगे, एक यूनिट मास को वो जो स्मॉल एम लिया था उसे वन मानेंगे. यूनिट मतलब वन. एक यूनिट मास को इंफिनिटी से खिसकाया और खिसका के पी तक ले आए. तो यूनिट मास को इंफिनिटी से पी तक खिसकाने में जितना वर्क हुआ, याद रखना ये वर्क हुआ नहीं, अपने आप होता है, हमें करना नहीं पड़ता. क्लियर? जितना वर्क हुआ यूनिट मास को खिसकाने में इंफिनिटी से पॉइंट पी तक, वही वर्क डन ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाएगा इस पॉइंट पी का. अब ये वर्क डन निकाले कैसे? आपको मालूम है एक यूनिट मास को मूव कराया जा रहा है कहां से? इंफिनिटी से. और इस यूनिट मास को मैंने खिसकाना शुरू किया. यूनिट मास की वैल्यू वन होती है तो मैंने कुछ लिखा नहीं है. मान लीजिए वो यूनिट मास यहां से खिसकना शुरू हो गया और चलते चलते रास्ते में वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचा. क्लियर? मान लीजिए रास्ते में जर्नी के दौरान वो किसी एक पॉइंट ए पे है जिसका डिस्टेंस ओ से है एक्स. अब क्या कहेंगे? To determine the potential at point P, a unit mass is moved from infinity to point P. And suppose during its journey, the mass is at point A, at a distance x from O. अब इस A पर लगने वाली gravitational force की value, the gravitational force acting on, ध्यान देना, unit mass at point A. The gravitational force acting on unit mass at point A. इस फोर्स की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो होगा F equal to G m small m, तो क्या है? 1. तो उसे मैंने लिखा ही नहीं यहां. 1 G m into 1 जीएम हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर. ये फोर्स हो गया. अच्छा, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है. इट मींस ये फोर्स का एरो अगर मैं पॉइंट ए पे लगा दूं तो वो इधर की तरफ होगा. ये जो मैंने अभी भी एरो बनाया ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, भूलिएगा नहीं इस बात को. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा. हमने फोर्स तो निकाल लिया जो पॉइंट ए पे लग रहा है. मान लीजिए आप इस मास को, यूनिट मास को आपने पॉइंट ए से शिफ्ट करके बी पे रख दिया तो और आगे खिसकाया. अगर हम इसको फर्दर धकेलते हैं तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया. मान लीजिए ये ए बी का डिस्टेंस है डीएक्स. ध्यान देना फोर्स भी इधर लग रही थी और मास भी इसी डायरेक्शन में है. ओके फोर्स भी इस तरफ लग रही है और मास भी इसी डायरेक्शन में है. ये चीजें आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. और जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो. अब अगर मैं निकालू स्मॉल वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम ए टू बी थ्रू डीएक्स, स्मॉल वर्क डन in moving mass, in fact unit mass from A to B through dx is dw equal to f dx cos 0
cos 0 क्यों? फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हो गया 0, इसलिए cos 0 रखा। फोर्स की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा gm अपॉन x स्क्वायर साथ में dx और cos 0 प्लस 1 उसे मैंने हटा दिया। ये क्या है? ये छोटा सा अंतर है। अच्छा, आखिरकार मूव कहां से करना है? मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इंफिनिटी से और लाना कहां तक है? पी पॉइंट तक। अगर मैं यूनिट मास को इंफिनिटी पे ले जाऊं तो x इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर उसी यूनिट मास को P पॉइंट पे रख दो तो x की वैल्यू R हो जाएगी। तो अगर टोटल वर्क डन निकालना है इंफिनिटी से पॉइंट P तक मूव करने में, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड स्मॉल R। कीप इन माइंड जो लोअर लिमिट होगी उसे हम कहेंगे इंफिनिटी और जो अपर लिमिट होगी उसे हम कहेंगे स्मॉल R। ओके, आई होप जो मैंने बात बताई वो सभी को समझ आ गई होगी। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, W इक्वल टू कहां से कहां? इंफिनिटी से P। कैसे शो किया? W के सफिक्स में पहले लिखा इंफिनिटी, बाद में लिखा P। सो वर्क डन इन शिफ्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू P इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट स्मॉल r। क्यों? क्योंकि x की पहली वैल्यू इनफाइनाइट है और दूसरी वैल्यू स्मॉल r है। ये ऊपर से एज इट इज कॉपी कर दिया, जी एम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जी एम इज अ कांस्टेंट कम्स आउट, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा? इंफिनिटी टू स्मॉल r x टू द पावर माइनस टू डी एक्स, इसे ऊपर ले गए। अब मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, याद होगा x to the power n plus 1 upon n plus 1, what is n? Minus 2, so x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, infinity to small r। अब अगले स्टेप पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगले स्टेप में gm as it is, ये जो ये minus 2 plus 1 है ये minus 1 बनाएगा और वो minus sign बाहर आ गया जिसे मैंने यहां mention कर दिया, bracket x टू द पावर माइनस वन बनेगा। किसी की पावर माइनस वन को डिनोमिनेटर में लिया जा सकता है, तो अंदर बचेगा वन अपॉन x लिमिट इंफिनिटी टू स्मॉल r एज इट इज। अगला स्टेप क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस x के प्लेस पे पहले ऊपर वाली वैल्यू, फिर बीच में माइनस साइन, x के प्लेस पे लोअर वाली वैल्यू। तो 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0, ये बात हम जानते हैं। तो ओवरऑल जब आपने वर्क डन निकाला इंफिनिटी से p तक मूव करने का, ये टर्म खत्म हो गया बेटा। तो जो बचा वो क्या है? माइनस जी एम अपॉन स्मॉल r। आपने देखा ये माइनस साइन आया, ये एक नेगेटिव है, मैंने जानबूझ के नहीं निकाला नेगेटिव, वो नेगेटिव अपने आप आया। आपने देखा जब हमने एक यूनिट मास को इंफिनिटी से पी तक मूव किया तो वर्क डन नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव वर्क को हम कहते हैं वर्क ऑब्टेंड, हमने नहीं करा, अपने आप हो गया। ओके, इसके एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी दिया था, स्कूल में भी समझाया था कि अगर कोई चीज मेहनत से कमाई जाती है, मेहनत का पैसा होता है वो पॉजिटिव है, जिसे आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज अंडर द टेबल आए, गलत तरीके से पैसा जो आता है उसे आप घर पे तो रख लोगे लेकिन आप उसे अकाउंट में शो नहीं कर सकते। दैट इज द नेगेटिव मनी। जस्ट लाइक दिस, इफ वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट वी कंसीडर इट पॉजिटिव, इफ वर्क इज डन ऑन इट्स ओन, अगर वर्क अपने आप हो जाए तो हम उसे नेगेटिव मानते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ वर्क डन नहीं है, ये है वर्क डन पर यूनिट मास। अब अच्छा लगेगा सर पर यूनिट मास कैसे? आप तो सिर्फ वर्क डन करवा रहे हो। अगर मैं कुछ स्टेप पीछे जाऊं, ये वर्क यहां से आया था, यहां मैंने फोर्स यूज की थी, फोर्स देखा जाए तो ये फोर्स gm अपॉन x स्क्वायर, ये खाली फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट मास है। तो अगर ये फोर्स पर यूनिट मास, ये वर्क डन पर यूनिट मास, ये भी वर्क डन पर यूनिट मास होगा। और सब जानते हैं वर्क डन पर यूनिट मास से हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो v इक्वल टू w इंफिनिटी टू p। कीप इन माइंड
दिस इज वर्क डन पर यूनिट मास, और यही चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल r। आपने चीज नोट की, ये वर्क डन अपने आप में नेगेटिव आ गया। क्लियर? आई होप ये बात आप सबको समझ आ गई है। अगर नहीं आई देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सभी को क्लियर है? से यस नो प्लीज। ओके, चलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली गो थ्रू पेज नंबर 252 एंड हाफ ऑफ 253, देन आई मूव अहेड।